स्टूडेंट्स यूनियन का चल रहा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करनाल के लघु सचिवालय के सामने जारी है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रदेश के एक जिले से आकर कर्मचारी यहां पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। उसी कड़ी में आज यहां हिसार जिले से भी भारी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंची। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा रखी गई मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है, जिसके चलते यहां पर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग को निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को भी पूरा करने का सरकार से अनुरोध किया है। हम आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी करनाल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई हर जिले से कर्मचारी यहां पहुंचकर अपना रोष व्यक्त कर रहा है। यहां हम आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले करनाल में एक विशाल प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि सीएम सिटी में प्रत्येक दिन एक जिले से आकर कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए यहां पर अनशन करेंगे, जिसके चलते आज जिन जिले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि यहां पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का धरना पिछले 15 मार्च से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय से। पिछले 15 मार्च से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के कर्मचारी यहां धरने पर बैठे हैं। आज हिसार से कर्मचारी यहां आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आज कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मांग करते हैं? आज राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार हिसार जिला इस धरने का आयोजन कर रहा है। हिसार जिले के साथी आए हैं और साथी कपूर बम्मल वो है इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथी रमेश शर्मा संचालन कर रहे हैं। मैं प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान गंगाराम मोहन, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांगे दरअसल मांगे नहीं है, कुछ समस्याएं हैं और हम बार बार अनुरोध करके प्रशासनिक सत्र के ऊपर 12 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के अंदर उपायुक्त कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित ज्ञापन दिया था कि हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान कीजिए। परंतु बड़ा ही खेद का विषय है कि मुख्य सचिव ने हमें आमंत्रित नहीं किया। उसके उपरांत हमने अपनी राज्य कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग बुलाकर ये निर्णय लिया कि 17, 18, 19 फरवरी को पूरे प्रदेश में उपायुक्त कार्यालयों के माध्यम पर प्रदर्शन करते हुए हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी अपने जो निर्णय है, जो वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबकी सुनवाई होगी, ऐसी उनकी जो खुद की वाणी है उसी को ही विपरीत परिस्थितियों में डालते हुए हमें आमंत्रित नहीं किया। उसके बाद 14 मार्च को हमने पुरानी सब्जी मंडी करनाल में रैली करते हुए उनका जो आवास है उसका घेराव करने का कार्य किया। वहाँ पर प्रशासन ने हमें 21 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता का निमंत्रण दिया, आश्वासन दिया। मीडिया के सामने हमारे ऊपर खुद SDM महोदय आए थे, सुमित सियाग जी। उसके बाद 21 को भी हमारी वार्ता नहीं हुई, फिर 27 का तारीख दिया और अब 4 तारीख का दे रखे हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुनवाई करेंगे और वैसे हमारी अपेक्षा ये थी कि करनाल में सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने बैठने का हमें शौक नहीं है, हमारी कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान अगर चंडीगढ़ सचिवालय में बुलाकर हमें करते तो ज़्यादा अच्छा होता और संतोषजनक परिणाम उसके निकल सकते थे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें करनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी का दर्जा देना है। ड्रम अपॉइंटी जो हमारे कर्मचारी हैं जो लगातार 2006 से निरंतर एक न्यूनतम वेतन के ऊपर लगे हुए हैं, उनको नियमित करना और जब तक नियमित नहीं हो जाते तब तक उनको समान काम समान वेतन का देने की हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा तीनों विभागों में जो निजीकरण का जोर लगा हुआ है, B&R के अंदर है ना, पूरी सड़कों को Z Pacer के नाम से दे दिया है, बहुत बड़ा घोटाला है। मैकेनिकल वर्कर यूनियन मुख्यमंत्री से मांग करती है कि Z Pacer को जो एग्रीमेंट दिया है, पैच लगाने का काम किया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है और अगर मुख्यमंत्री जांच करे तो यूनियन बिल्कुल सहयोग करेगी, उस जांच को अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी प्रकार जो हमारे पंचायती पंप ऑपरेटर हैं उनको लगातार 10 माह से वेतन नहीं दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर 11,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस प्रकार के लगे हुए हैं, 5,500 कर्मचारी हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो एक्चुअल हैं। इसका मतलब यह है कि वो फर्जी जो है वो पंचायतों का जो बजट आता है उसको खाने का काम किया जा रहा है। और जब कब तक रहेगा आपका ये निरंतर रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।